हेलो माय डियर फैमिली। तो मैंने देखी मैदान मूवी स्टारिंग अजय देवगन। एक इंसान अपनी जिंदगी में और अपनी जिंदगी से कितना लड़ सकता है। मान लो कि ना सिर्फ उसकी जिंदगी उसके और उसके सपनों के खिलाफ है, बल्कि उसके हालात, उसकी किस्मत, खास करके उसके आसपास के लोग, सब कुछ उसके खिलाफ ही है। तो ऐसे हालातों के अंदर जितना छोड़ो, क्या वो बंदा लड़ पाएगा? अगर आप ऐसे हालातों में होते तो क्या करते? दिल और दिमाग पर गहरा असर करके जाए, ऐसी कहानी है मैदान मूवी की। अगर आपने इनमें से 10% भी तकलीफें झेली है अपनी लाइफ में तो। मैदान ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है। इंडियन फुटबॉल कोच सैयद अब्दुल रहीम की लाइफ और उनके सपनों की ये कहानी है। देखो, करप्शन, पॉलिटिक्स, टॉक्सिक लोग, देश के पैसों पर अपनी रोटी सेकने वाले लोग, ऐसे उस टाइम पर भी बहुत थे, आज भी बहुत है। ये कहानी है जब इंडियन फुटबॉल जीरो पर नहीं, माइनस में था। हमारे प्लेयर्स ओलंपिक्स में भी बिना जूतों के खेलते थे। अब आप इससे अंदाजा लगा दो क्या ही फैसिलिटी और ट्रीटमेंट की उम्मीद कर सकते थे उस टाइम पर। सपोर्ट की तो बात ही जाने। ऐसे में सैयद अब्दुल रहीम ये एक बंदा ऐसा था जिनका मानना था कि इंडिया में टैलेंट बहुत ज्यादा है, मैं एक ऐसी टीम खड़ी कर सकता हूं जो दुनिया की किसी भी टीम को हरा सकती है। उस टाइम पर सबके लिए सबसे बड़ा जोक था ये, लेकिन इस बंदे को खुद के ऊपर भरोसा था। इंडिया के गांव गलियों में सब जगह घूम के उन्होंने एक टीम बनाई। फिल्म के अंदर मुझे लगा कि चलो फाइनली सब कुछ हो गया, लेकिन असली स्ट्रगल उसके बाद शुरू होती है। टीम बनाने के बाद भी उनके आसपास का माहौल कुछ ऐसा कर दिया गया कि एक कदम भी आगे बढ़ना नामुमकिन था। फिर भी उन्होंने मरते दम तक, ये सिर्फ बोलने की बात नहीं है, मरते दम तक, एक्चुअली मरते दम तक क्या होता है वो आप फिल्म में देखना। उन्होंने मरते दम तक अपने लक्ष्य से नजर नहीं हटाई और 1962 में इंडिया एशियन गेम्स के अंदर गोल्ड लेके आया फुटबॉल के अंदर। रोंगटे खड़े कर दे ऐसी जर्नी थी ये। 1950 से 1963 तक सैयद अब्दुल रहीम इंडियन फुटबॉल टीम के कोच रहे हैं और उस पीरियड को इंडियन फुटबॉल का गोल्डन पीरियड कहा जाता है। अब तब का वो दौर और आज का ये दिन, अभी तक इंडियन फुटबॉल इसके आसपास भी नहीं आया है। क्यों? क्योंकि उस कोच ने सच में अपनी जान लगा दी थी इंडियन फुटबॉल को इस लेवल पर लाने के लिए। अजय देवगन का परफॉर्मेंस आपका दिल जीत लेगा। बहुत ही बारीकी से परफॉर्म किया है उन्होंने इस किरदार को। मेरे हिसाब से उनका ये वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस है। ऐसे अनसंग हीरोज और इंडियन फुटबॉल के लिए ये फिल्म किसी ट्रिब्यूट से कम नहीं है। साथ में प्रिया मणि ने उनके वाइफ के किरदार को और गजराज जी ने विलन के किरदार को पूरा जस्टिस दिया है। AR रहमान का म्यूजिक स्टोरी टेलिंग में जान डाल देता है। इसके अलावा सबसे कैची और सबसे मुश्किल टास्क मुझे जो लगा इस फिल्म के अंदर, वो थी इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी। बिकॉज फुटबॉल के मैचेस के दौरान जिस तरीके से गेम को शूट किया गया है, ऐसा फील हो रहा था कि हम भी प्लेयर्स के बीच में फुटबॉल खेल रहे हैं, बॉल को चेज कर रहे हैं। और थिएटर में बड़े पर्दे पर धांसू म्यूजिक के साथ ये देखने में पैसा वसूल हो जाता है, अगर आप फुटबॉल लवर है तो, खास करके क्योंकि देखो फुटबॉल मैचेस को, रियल मैचेस जो भी होती है उसके अंदर भी हम इस तरीके से फुटबॉल को नहीं देख सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। तो जिस तरीके से फुटबॉल को दिखाया है वो एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा। फिल्म की आखिरी 15 मिनट जो आपको रुला देगी, एट द सेम टाइम बहुत ज्यादा इंस्पायर भी करेगी। जिन हालातों में इंडिया ने गोल्ड जीता था उस टाइम पर, वो सबको देखना चाहिए, जानना चाहिए। अगर ऐसे हालातों से लड़कर इस लेवल की सक्सेस मुमकिन थी उस टाइम पर उनके लिए, तो आज हमारी जिंदगी में जो भी तकलीफें होगी या फिर हमारे जो भी टारगेट्स होंगे उनको अचीव करना डेफिनेटली मुमकिन है। क्योंकि उन तकलीफों के सामने हम कुछ भी फेस नहीं कर रहे, ट्रस्ट में। खास करके इसलिए ये फिल्म देखनी जरूरी है ताकि यूथ समझ पाए कि ऐसे हालातों से लड़कर भी जीता जा सकता है। कुल मिलाकर बात करें तो यार मुझे बढ़िया और खास करके मीनिंगफुल फिल्म लगी। राइटिंग, डायरेक्शन, प्रेजेंटेशन, म्यूजिक, सिनेमेटोग्राफी हर मामले में खास है। बाकी अगर आपने देख लिया तो कमेंट्स करके बताना कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा और सैयद अब्दुल रहीम के डेडिकेशन के बारे में आपका क्या कहना है। पता है सबसे बड़े दुख की बात क्या है इस फिल्म को देख के जो मुझे फील हुआ कि इतनी हिस्टोरिकल जर्नी और ऐसी कहानी के बारे में, ऐसे हीरोज के बारे में हमें आज तक पता ही नहीं था। एनीवे, आपके ओपिनियंस आप कमेंट्स करके बताना। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।